हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन आर यूट्यूब चैनल। सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत मेरी तरफ से। आज हमारा न्यू टॉपिक है क्लोज टेस्ट का। एक स्टूडेंट ने बीच में अभी क्वेश्चन भी किया है कमेंट में कि ये क्लोज टेस्ट क्या है, तो उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। एक बार लाइक शेयर कर दो ज़रा सारे बच्चे, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत मेरी तरफ से। और एक बार बता दीजिए, क्या विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है? एम आई ऑडियबल टू ऑल ऑफ यू? क्या सभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जल्दी से दीजिए आंसर जितने भी स्टूडेंट लाइव है, फटाफट एक बार शेयर कर दो सारे बच्चे क्लास को। एक बार शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स क्लास को, यस, ताकि सारे स्टूडेंट जो है लाइव आ जाए इस न्यू टॉपिक के लिए। ठीक है जी, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू अन अकेडमी प्लस, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। और प्लस पर आपको मिलते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप सभी के लिए। ठीक है, ये सारी के सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी विशेषताएँ हैं उसकी, लर्निंग लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम, आप अपने घर से तैयारी कर सकते हैं डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल आपको PDF में भी प्रोवाइड किया जाएगा जो भी क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर ली जाएंगी, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये प्रॉपर सभी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलती हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सभी का सपना है NDA 2021 एग्जाम को क्रैक करना। सो स्टूडेंट्स, एक अनअकैडमी चैंपियंस लीग की तरफ से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाना है। ठीक है, 29 नवंबर संडे 11 AM एनरोल फॉर फ्री, आप फ्री में इस टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं। और जिसमें रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 सभी के लिए डिफरेंट प्राइजेस है। रैंक 1 15,000 के अमेजन वाउचर आपको मिलता है, प्लस 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको एज अ प्राइज इसमें दिया जाएगा। और यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक तरफ हो जाता हूं, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं एनरोल करने के लिए, वैसे मैं तो कहूंगा जितने भी लाइव स्टूडेंट हैं सबके सब इसको जरूर एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी रैंक लेकर आते हैं, ठीक है, 20 तक रैंक्स के लिए डिफरेंट प्राइजेज हैं यहाँ पर, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। आप सभी डेट मैंने अभी आप सभी को बता दिया, 29 नवंबर संडे 11 AM को आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट्स रहिए इसके लिए तैयार। मोर ओवर ये टॉप एजुकेटर्स हैं हमारे, अर्पित सर को तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा ये देखिए, ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो आपको अनअकैडमी प्लस ऑप्ट करने के बाद, पेड कोर्स ऑप्ट करने के बाद आपको मिल जाते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, चलिए बात करते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपके पास आ जाता है गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद ये डिफरेंट कोर्सेज हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, और डिफरेंट इसके प्राइजेज हैं सभी के। ठीक है, जो ज़्यादा महंगे नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, आप आराम से ऑप्ट कर सकते हैं 6 मंथ का कोर्स जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, लाइक शेयर कर दो जरा एक बार सारे बच्चे सेशन को। उसके बाद वो आपसे पूछेगा हैव अ रेफरल कोड, कि क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है। हाँ, डेफिनेटली आपके पास रेफरल कोड है, आपका रेफरल कोड है टीम अर्पित, और टीम अर्पित कोड एंटर करने के बाद आपको ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी पेड कोर्स पर। ठीक है, जितनी भी उसकी टोटल प्राइस उसका होगा, उसका 10% आपको डिस्काउंट के उसमें मिलने वाला है। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, ये जितने बच्चे लाइव हैं सभी एनरोल जरूर कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अनअकैडमी प्लस पर स्पेशल क्लासेस भी लगाई जाती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की,
क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्या होता है क्लोज टेस्ट, कितने मार्क्स का है हमारे पास आता है, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, इसके बारे में हम आज खुलकर बात करेंगे। देखिए क्लोज टेस्ट में क्या होता है, क्लोज टेस्ट में आपको दिया जाता है एक पैसेज प्रॉपर, ठीक है, एक पैसेज आपको दिया जाता है, पैसेज के साथ ही उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं बीच में, और उसके साथ आपको मिलते हैं कुछ ऑप्शंस कि आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करके मीनिंगफुल बनाते हैं सेंटेंस को। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसकी मार्किंग की, तो मैं आपको बता दूं कि क्लोज टेस्ट हमारे पास 5 to 10 क्वेश्चंस इसके आते हैं, और जो मैं प्रीवियस एग्जाम चेक कर रहा था तो कहीं कहीं पर इसके 20 और कहीं पर इसके 16, 12 इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास क्लोज टेस्ट में आते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लोज टेस्ट का टॉपिक हमारे लिए कवर करना, तो आई होप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो केयरफुली इसको समझेंगे कि किस तरह से हमें क्लोज टेस्ट को करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, केयरफुली पैसेज रीड करना है इसमें, ठीक है, आप पैसेज को केयरफुली रीड करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा यहाँ से रीड करने में, अभी मैं जूम कर दूंगा इसको ताकि आप लोग सभी के लिए प्रॉपर विजिबल हो जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ लाइंस फटाफट से पढ़नी है ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये टॉपिक किस बारे में, फिर आप सही ऑप्शन का उसमें यूज करेंगे, ठीक है जी। कर दो एक बार लाइक शेयर कर दो जरा सारे बच्चे, ठीक है, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट जितने भी लाइव हैं। और एक बात, जिस तरह कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक हमारे पास होता है, कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक, उसमें फुल कॉम्प्रिहेंशन हमें रीड करनी होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो आपने फुल पेशेंस के साथ पूरे ध्यान के साथ इस सेशन में लाइव बने रहना है, ठीक है ना। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ ये पैसेज पढ़ने में, पैसेज किस बारे में है, क्या इसका मीनिंग निकलने वाला है। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, और आप एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी स्टूडेंट जितने भी लाइव है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये मत समझना कि हम इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा सा टफ होता है ये, लेकिन धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। जब स्टार्ट किया था उस टाइम हमारे लिए जो कल के टेस्ट के बच्चे मुझे स्कोर बता रहे हैं, सर मेरे 48 आए थे, सर मेरे 45 आए थे आउट ऑफ 50, तो ये टेस्ट आपके लिए इजी कब बना, ये टेस्ट इसीलिए इजी बना ना क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस की हुई थी। और जो मैं आज आपको क्लोज टेस्ट कराने वाला हूँ ये सारे PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करें, ओके, सो स्टूडेंट्स रीड कीजिए केयरफुली, आई विल हेल्प यू, मैं स्क्रीन से एक तरफ हो जाता हूँ। ड्रॉबनी डिफाइंड द क्रिटिक्स ही हैड प्लेड थ्रू द विंबलडन Fortnight and reach the final. Could he win just one more match and take the crown? Or would he fail again at the last test and justify those who said that he lacked and little extra something that makes the champion? ठीक है, तो ये टेनिस मैच विंबलडन के बारे में हमसे बात कर रहा है, पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम है डॉबनी, उसके बारे में हमसे बात कर रहा है कि वो अपना लास्ट मैच जो है वो खेलने जा रहा है, कि वो जीत पाएगा या फिर वो एक बार फिर से असफल हो जाएगा, क्या उसके साथ होगा, इसके बारे में है ये हमारा सारा पैसेज, ठीक है। हिज ओपोनेंट वॉज द ऑस्ट्रेलियन कैन रोजवाल। अब कैन रोजवाल के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये कैन रोजवाल के बारे में जब वो बताएगा तो क्या यूज करेगा, कैन रोजवाल दैट ब्रिलियंट यंगस्टर, या कैन रोजवाल अ ब्रिलियंट यंगस्टर, या फिर होगा कैन रोजवाल द ब्रिलियंट यंगस्टर, आप इसमें से किसको ऑप्ट करेंगे जरा फटाफट से आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि कैन रोजवाल के बाद अगर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है तो किस तरह देंगे, दैट लगाकर, आ लगाकर या द लगाकर। ये क्लोज टेस्ट है, मैंने आपको पहले कहा है थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है ये आप सभी के लिए, लेकिन हमें करना जरूर है। सो विच ऑप्शन इज राइट हेयर, ए बी सी, पर्टिकुलर हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है जी, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ये सारा टाइप्ड है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, आप क्वेश्चन पर कंसंट्रेट कीजिए फटाफट जल्दी से सारे बच्चे। तो कह रहे हैं सभी बच्चे स्टूडेंट कह रहे हैं कि ए, ठीक है, कैन रोजवेल ए। अगर किसी को ये लग रहा हो कि सर इसमें ए क्यों आया, दैट या द क्यों नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है इस पैसेज में, वो फर्स्ट टाइम दी जा रही है, इससे पहले
ड्रॉबनी के बारे में हमें जरूर बताया गया है, लेकिन इसके बारे में फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन दी जा रही, तो फर्स्ट टाइम ही हम किसी में दा यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने कहा उसको अ ब्रिलियंट यंगस्टर एंड ऑलरेडी अ मास्टर वर्ल्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा है डैश प्रॉपर भरने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको ये भी पढ़ना है ताकि आप पर्टिकुलर देख सके कि बीच में आपको इसमें क्या फिट करना है। और थ्री ऑप्शंस जो हमें दिए हैं वो दिए हैं विद अ दैट। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम कैसे इसे पढ़कर देख सकते हैं। देखो ऐसे आपने पढ़ना है ऑलरेडी अ मास्टर विद वर्ल्ड एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम, या ऑलरेडी अ मास्टर अ वर्ल्ड एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम, या ऑलरेडी अ मास्टर दैट वर्ल्ड एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम। बाई चांस आप कंफ्यूज हो जाए कि इसमें क्या आएगा हमें पता नहीं चल रहा, तो आपने क्या करना है जो रॉन्ग आंसर होंगे उनको एलिमिनेट कर देना, जो आपको लगता है कि ये तो प्रॉपर है ही नहीं आपने उस ऑप्शन को हटा देना है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें आ और दैट की बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रही, ऑलरेडी अ मास्टर अ वर्ल्ड एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम दैट वर्ल्ड नहीं, क्या होगा विद वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस के साथ, तो हमारे पास राइट ऑप्शन हुआ ए, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। आप एलिमिनेट करके भी चेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं क्लोज टेस्ट का, मैंने आपको बताया इसके 5 to 10 और कभी कभी 12 और कभी कभी 16 और कभी कभी तो 20 क्वेश्चन भी मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखे हैं, ठीक है जी। सारे टॉपिक हमारी मर्जी के हिसाब से आसान नहीं हो सकते, तो इसलिए इसकी हमें बेटर तैयारी करके चलनी है, बढ़िया सी तैयारी करके चलनी है इसकी। क्लियर है सभी को? चलिए लाइक शेयर करते रहिए सभी स्टूडेंट्स। जेरोसॉल्व ड्रॉबनी, अब देखो अब इसमें क्या करोगे आप, जेरोसॉल्व ड्रॉबनी के लिए थ्री ऑप्शंस, अ सन ऑफ सेंस कारपेंटर, या हमारे पास होगा एन सन ऑफ सेंस कारपेंटर, या द सन ऑफ, क्या लगाओगे आप इसमें? ठीक है जी, ठीक है, अगर पहले पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, द, ये लिखा गया था द, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले इसके बारे में बात हो चुकी है, तो हम क्या कहेंगे इसको, द सन ऑफ सेंस कारपेंटर हु डैश द स्टार्टेड द बॉय ऑफ एट द डैश ऑफ फाइव, क्या इसमें आप यूज करोगे, हु हैड स्टार्टेड, हु आ स्टार्टेड, हु द स्टार्टेड, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में पर्टिकुलर आप ये देखो क्या बनता है, हु हैड स्टार्टेड, हु आ स्टार्टेड, या हु द स्टार्टेड, ठीक है। सेंस किसकी बनती है यहां पर, किसकी सेंस बन रही है, ए की सेंस बन रही है, हु हैड स्टार्टेड, ठीक है, एज द बॉय ऑफ द डैश ऑफ फाइव। अब डैश ऑफ फाइव किसके लिए यूज करते हैं हम, द एज ऑफ फाइव, द स्टेज ऑफ फाइव, या द कैरियर ऑफ फाइव, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देना है सभी ने, ठीक है। जल्दी नहीं करनी इसमें किसी ने भी, क्वेश्चन नंबर 5 जरूर टाइप कीजिएगा जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जरूर टाइप करना है सभी ने, ताकि मुझे पता चल जाए कि 5 में क्या हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट एयर, एज ऑफ 5 होगा 5 साल की आयु में, ठीक है, एज ऑफ 5 होगा 5 साल की आयु में, विद अ वुडन बैट, इन ल्यू के बाद क्या लगाते हैं बच्चे, हम इन ल्यू के बाद क्या लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, इन ल्यू के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लगेगा और प्रॉपर इसका मीनिंग क्या होता है, किसका हम यूज करते हैं, 4 का, ऑफ का, या 2 का, और ये नोट कर लेना जिन जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, ठीक है जी। चलिए फटाफट से दीजिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं, चलिए 6 में आपका कहना है बी, ठीक है जी। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है हमारे पास क्लोज टेस्ट का, ये 1 या 2 दिन में हम इसको सम अप कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये मैं बता दूं कि इन ल्यू के बाद हम यूज करते हैं ऑफ का, बी ऑप्शन, क्योंकि इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ,
इन लियू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, ठीक है जी, यस केयरफुली, हाँ चलिए। तो किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए कार्तिक बेटा, अगर आपने फटाफट कर लिए तो मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे टॉपिक इंटरेस्टिंग हो या ना हो, टॉपिक लेंथी हो या शॉर्ट हो, एग्जाम में आना है तो इसका मतलब उसकी प्रिपरेशन हमें करनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। रैकेट वेंट ऑन द फेमस सेंटर, सो ऑन के बाद क्या लगाओगे, वेंट ऑन के बाद क्या लगेगा, वेंट ऑन टू, वेंट ऑन आ, वेंट ऑन विद, किसकी सेंस इसमें हमारे पास बनती है, ठीक है, किसकी सेंस हमारे पास बनती है क्वेश्चन नंबर 7 में। और चलिए ठीक है जी, तो किसकी सेंस बनती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में, और सेंस बनने के बाद उसका प्रॉपर मीनिंग क्या बन जाता है, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है हमारे पास टू, क्योंकि वेंट ऑन टू, जब ये हमारे पास वेंट ऑन टू होता है ना तो इसका मतलब होता है प्रोसीडिंग करना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है, प्रोसीड करना, ये इसका प्रॉपर मीनिंग बनता है, इसलिए यहां पर यूज होगा ऑप्शन ए, द फेमस सेंटर कोर्ट एट विंबलडन, ठीक है जी, डैश डे विद द फुल नॉलेज, ठीक है, सो इन डे, ऑन डे या दैट डे, ठीक है, ऐसे ही देखते हैं ना, सेंटर कोर्ट एट विंबलडन और इन ऑन दैट, तो पहले आप लगा के देखिए ऑन डे, उसके बाद इन डे या दैट डे, क्या प्रॉपर इसकी सेंस बनेगी, ठीक है, क्या इसकी प्रॉपर सेंस बनने वाली है, यस 8 का आंसर मेरे पास आ गया, तो मैं आप सभी को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर है हमारे पास सी, दैट डे, उस दिन की बात कर रहा है, उस दिन की बात कर रहा है, ऑन यहां पर ऑप्शन नहीं होगा बेटे, दैट डे, थोड़ी सी सेंस बनाने की कोशिश करो, धीरे धीरे आप मेरे साथ रीड करोगे तो अपने आप आपकी लर्निंग पावर, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी, फेस तो हमें इसको करना ही पड़ेगा बेटे, क्लोज टेस्ट को फेस तो हमें करना ही है, हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि क्लोज टेस्ट मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो मैं ये टॉपिक छोड़ देता हूँ दूसरे कर लूंगा, नहीं, कोई इसका हमारे पास वो नहीं है कि हो सकता है यही टॉपिक आपके पास 10 to 16 क्वेश्चन लेकर बैठा हो तो फिर आप 40 मार्क्स अपने छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है थोड़ा सा स्लो कराऊं, तो मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूं इसको पर्टिकुलरली, चलिए, दैट डे विद द फुल नॉलेज दैट दिस कैन बी द गेम ऑफ, दिस कैन बी द गेम ऑफ, या दिस मस्ट बी द गेम ऑफ, या दिस वुड बी द गेम ऑफ हिज, आगे हम बाद में करेंगे, पहले आप ये बताओ कि वो फुल नॉलेज के साथ इस तरह से आगे बढ़ा कि यह दिस कैन बी द गेम ऑफ, दिस मस्ट बी द गेम ऑफ, या दिस वुड बी द गेम ऑफ, क्या प्रॉपर आप इसके अंदर यूज करोगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच रिशर, हाँ इसकी पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगी बेटा, विद आंसर और विद डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दे दूंगा कि किसका आंसर क्यों बना, ठीक है, पर फिलहाल आप समझ लीजिए, ठीक है। नाइन्थ में देखिए आंसर है बच्चे हमारे पास राइट इसका सी, कि वो इस तरह से आगे बढ़ा, दैट दिस वुड बी द गेम ऑफ हिज, वुड बी द गेम ऑफ हिज, किसकी गेम ऑफ हिज लाइफ, गेम ऑफ हिज एज, गेम ऑफ हिज डे, मतलब वो इस तरह से आगे बढ़ रहा था कि ये उसकी डैश के लिए गेम है, ये उसके जीवन के लिए गेम है, उसके दिन के लिए गेम है, या उसकी आयु के लिए गेम है, फटाफट से आंसर, फटाफट से आंसर, ठीक है जी। चलिए तो हमारे पास, ठीक है, अच्छा जूमिंग की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, तो मैं आपको बता दूं उसने ये मान लिया था कि ये उसके लाइफ की गेम है, ही हैड कैप्ट इन टाइम, या हो सकता है ट्राइंग हो, एंड डैश कुड कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है, डैश कुड कीप ऑन ट्राइंग, तो इसमें क्या आएगा, फटाफट से बताओ जरा,
जल्दी से आंसर, उसमें दिया है और हमने इसको प्रॉपर डिस्कस करा है कि इस यहां पर क्या आएगा। मैं अभी आपको याद करा दूंगा कि यहां पर ही आना चाहिए कि एंड ही कुड कीप ऑन ट्राइंग, या एंड वन कुड कीप ऑन ट्राइंग, एंड यू कुड कीप ऑन ट्राइंग। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर पर्टिकुलर आपको कंफ्यूजन होने लगे कि मैं इसमें क्या यूज कर सकता हूं, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं इसमें देखो रॉन्ग हो गया है किसी बच्चे का, इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं इसकी, ठीक है। इसमें यू यानी कि तुम्हारी तो बात ही नहीं हो रही कोई, किस किस के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है ड्रॉबनी के बारे में, तो ड्रॉबनी को हमको किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ही से, ठीक है। और हम वन का यूज कब करते हैं, अगर यहां पर भी वन होता, वन हैड कैप्टन ट्राइंग एंड वन कुड कीप ऑन ट्राइंग, ये हमने डिस्कस करा था ना कि अगर वन की बात हो रही हो तो ही वन लगाना है, और अगर पर्सन की बात हो रही हो तो ही लगाना। बट डैश वुड बिकम फ्यूअर एंड फ्यूअर, तो क्या कम होता ही चला जाएगा, क्या चीज कम होता ही चला जाएगा, क्या कम होगा बच्चे, गेम्स कम हो जाएंगे, मैचेस कम हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगे। सेंस किसमें बनता है, सेंस किसमें बनता है बच्चे, फटाफट जल्दी से आंसर, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग, यस लाइक शेयर करते रहिए एक बार सारे। अच्छा अगर गलत नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पर इसमें बताओ कि उसके लिए क्या कम हो जाएंगी, अगर वो ये मैच नहीं जीतता तो उसके लिए क्या कम हो जाएगा, उसकी गेम्स कम हो जाएंगी, मैचेस कम हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, उसके लिए क्या कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो उसके लिए क्या कम हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, उसके लिए अवसर कम हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक से कराएं, बेसिक के लिए बहुत जल्दी आप सभी के लिए टेंस की एक मैराथन रखी है मैंने, बहुत जल्दी आपको, ठीक है। चलिए तो यस अपॉर्चुनिटीज राइट आंसर हेयर, चलिए बेसिक से सीखते हैं, आइए बेसिक से सीखे। इतना तो सभी समझ ही गए होंगे कि हमें इसमें करना क्या है, और यह भी जरूरी नहीं कि हमारे पास 12 क्वेश्चन का लंबा पैसेज ही आए। तो आइए हम इस पैसेज को आराम से रीड करते हैं, केयरफुली रीड करते हैं और इसको सीखते हैं। चलिए, आफ्टर हैविंग स्लेप्ट फॉर एन आवर, एक घंटा सोने के बाद बॉन्ड डिसाइडेड टू गो आउट इनटू द सिटी, बॉन्ड ने फैसला किया कि शहर में चलते हैं, एंड ट्राई टू फाइंड इट्स कॉन्टैक्ट, इट्स कॉन्टैक्ट या हीज कॉन्टैक्ट हो सकता है कि वो अपने कॉन्टैक्ट को फाइंड करे। After changing his suit, अपना सूट बदलने के बाद he carefully locked his room, उसने carefully अपना रूम लॉक कर दिया, and stepped out of the hotel, और होटल से बाहर निकल गया, stepped out मतलब वो होटल से बाहर आ गया, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट, नो वन वॉज अराउंड, कोई भी आसपास नहीं था, बट ही हैड वॉक्ड ओनली अ फ्यू माइल्स When it suddenly, पर वो कुछ ही मील चला था कि अचानक अचानक decided, occurred या happened to him, ठीक है। चलो बताओ जरा इसमें, when it suddenly decided, occurred, happened, तीनों में से कौन सा suitable है, तीनों में से कौन सा suitable होगा कि अचानक से उसने decide कर लिया, occurred या happened। सब समझते हैं हैपन्ड क्या होता है, आप इसमें आप ट्रिक टू भी यूज कर सकते हो। ट्रिक टू कौन सी है हमारे पास, कि अगर मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा आएगा तो जो रॉन्ग लग रहे हैं उनको हटा दो, ठीक है। ये भी पीवाई क्यू है, ये भी पीवाई क्यू है, ठीक है। थैंक यू सो मच साउल मॉडर्न, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। चलो तो मैं बताऊं इसमें क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर है बच्चे हमारे पास इसका बी, अकर्ड, ठीक है। तो अकड़ क्यों है, क्योंकि अकड़ का सडनली, अकड़ का मतलब है यहां पर सडनली रियलाइज्ड, उसने सडनली रियलाइज किया, सडनली रियलाइज, उसने सडनली रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया उसने, दैट ही वॉज बींग बाय समवन, तो कोई क्या कर रहा था, कोई फॉलोड, शॉट, लुक्ड, फोर ऑप्शंस, ही वॉज बींग फॉलोड बाय समवन, He was being shot by someone, he was being looked by someone, क्या आपके पास लगता है इसका प्रॉपर आंसर होगा,
ठीक है जी, चलिए ठीक है। फिक्स प्रेपोजिशन का तो अब टेस्ट ही होगा बेटा, जब मैं एक दिन आपको पीडीएफ भेज दूंगा उसकी, क्योंकि हमने काफ़ी सारी फिक्स प्रेपोजिशन डिस्कस कर ली है लास्ट कुछ सेशंस में, ठीक है जी। चलिए, तो कोई उसे क्या कर रहा था बच्चे, सेंस बनानी है सेंस। कोई अगर आप सीधा चले जा रहे हो, आप चलते ही जा रहे हो सीधा, तो आपको प्रॉपर क्या शक होगा अगर हुआ तो, कि कोई फॉलो कर रहा है, तो यहां पर राइट आंसर इसका क्या है, ए, दैट ही वॉज बींग फॉलोड बाय समवन, कि कोई उसका पीछा कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की ओर चले, चलिए बड़े धीरे धीरे हमने आगे बढ़ना है। और एक और चीज, जो ये बच्चे फटाफट से आंसर्स भेज रहे हैं, तो मैं बता दूं भाई, उन बच्चों पे रहम खाओ जो मेरी तरह है, ठीक है, जिनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इनको आराम से पढ़ने दो, आराम से, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, या तो आप गारंटी ले लो कि मैं सारे आंसर पहले ही टाइप कर रहा हूं, और जो बच्चे ऑनलाइन इस टाइम पर मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं उन सबको पास करा दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है बेटा, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता। आप पहले आंसर्स मत दीजिए, इससे क्या होता है, क्लास का डेकोरम खराब होता है, ठीक है जी। डेकोरम मेंटेन करके चलिए, मैं मान गया कि आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, मैं यहां से मान गया कि आप इंटेलिजेंट हो, धीरे धीरे चलते, ठीक है, धीरे धीरे सीखते हैं बच्चे इसको। देयर वॉज रियली नो एक्सेप्ट वेरी स्लाइट, इस बात का कोई क्या नहीं था, इस बात का कोई कारण नहीं था, कॉज सेम मीनिंग होता है, या एविडेंस नहीं था, एविडेंस नहीं था, किस बात का नहीं था, ठीक है जी। चलिए, तो थ्री का हम आंसर चेक कर लेते हैं, कुछ बच्चों का रॉन्ग हो रहा है बेटे, ठीक है जी। चलिए, कुछ बच्चों का रॉन्ग हो रहा है पर्टिकुलरली, हम चेक कर लेते हैं इसमें बेटे, कि देयर वॉज रियली नो एविडेंस, कोई उसका पीछा कर रहा है, इस बात का कोई सबूत नहीं था, एक्सेप्ट वेरी स्लाइट, एक्सेप्ट वेरी स्लाइट को छोड़कर, किसको छोड़कर, वेरी स्लाइट, क्या वेरी स्लाइट, वेट, वेरी स्लाइट साउंड, वेरी स्लाइट हर्टिंग, ओ फुटस्टेप, फुटस्टेप की क्या होएगा, फुटस्टेप का वेट होगा, फुटस्टेप की साउंड होगी, या फुटस्टेप की हर्टिंग होगी। फटाफट से आंसर जितने बच्चे लाइव हैं, ठीक है जी, जितने बच्चे लाइव हैं जल्दी से आंसर दो, और क्लास को बेटे एक बार लाइक शेयर कर दो सारे बच्चे, ठीक है ना। तो अब प्रॉपर इसको समझ लेते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या था, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये था कि अचानक से उसे पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा था, और उसका कोई पीछा कर रहा था, इस बात का कोई सबूत नहीं था, सिर्फ पांव की हल्की सी आवाज को छोड़कर, सिर्फ पांव की हल्की सी आवाज को छोड़कर, और कोई भी इस बात का प्रूफ नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। तो राइट ऑप्शन इज सी, सॉरी बी, ही वॉज नाउ वॉकिंग द मेन स्ट्रीट, ठीक है। अब आप बताओ, वॉकिंग के बाद मैं कौन सी प्रेपोजिशन लगाऊं, ठीक है, वॉकिंग के बाद मैं गिवन कौन सा वर्ड प्रॉपर यूज करूं, जिसका मतलब बन जाएगा गोइंग ऑन फुट, जिसका मतलब बन जाएगा गोइंग ऑन फुट, ठीक है, गोइंग ऑन फुट बन जाएगा इसका मतलब। तो वॉकिंग के बाद मैं किस प्रेपोजिशन का यूज करूं, ठीक है जी। चलिए, यस, डिसिप्लिन तो नहीं कहेंगे यहां पर, आप शोर मचा सकते हो, क्योंकि आपका ये शोर जो है वो मेरे तक नहीं आने वाला, ठीक है जी, आपका ये शोर मेरे तक नहीं आने वाला। चलिए, सो वॉक के बाद प्रॉपर किस प्रपोजिशन का यूज करोगे, जस्ट ए मिनट प्लीज, ठीक है, मैं बताता हूं। तो अगर आप प्रॉपर यूज करोगे डाउन, तो वॉक डाउन का मतलब होता है, अब वॉक डाउन का मतलब ये नहीं होता कि वो नीचे की ओर चल रहा था, वॉक डाउन ही हम यूज करते हैं कि पैदल चल रहा था, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को,
ठीक है, चलिए। सो द मेस विच वॉज क्राउडेड, अब क्राउडेड के बाद किस प्रेपोजिशन का यूज होता है जिससे मतलब बन जाता है, जिसका मतलब बन जाता है भीड़ भरा। क्राउडेड के बाद किस प्रॉपर प्रेपोजिशन का यूज बन जाता है, तो क्राउडेड किससे होगा फटाफट से बताओ, क्राउडेड विद पीपल, बाय पीपल, इन पीपल। अब सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से देख लो, क्या इसमें सेंसलेस है, सॉरी सेंसफुल है ये इन, कि क्राउडेड इन पीपल, लोगों में भीड़, ठीक है। राइट क्या बनेगा जरा फटाफट से बता दो, ठीक है जी। यस, बाय नहीं होगा बच्चे इसमें, क्राउडेड विद होता है, क्राउडेड बाय नहीं होता बच्चे, क्राउडेड विद होता है। एक बच्चे ने रॉन्ग आंसर दिया था, उसको मैं बता रहा हूं बिना नाम लिए उसका, कि क्राउडेड विद होता है। क्लियर है सबको, ठीक है। नहीं, क्राउडेड बाय नहीं होता अभिजीत घोष, क्राउडेड विद होता है, ठीक है। चलिए, चलो तो नेक्स्ट की ओर चले, एक और क्लोज टेस्ट करते हैं। अब दो कर लिए, अब मुझे आंसर बताएंगे आप। चलो जी, इन फ्यू सेकेंड वी रैन द बोट इन टू बे वेयर वी मेड इट फास्ट, इट होगा टू अ प्राइस ऑफ कोरल एंड रनिंग अप द बीच एंटर्ड द रैंक्स ऑफ द पेंगुइन्स आर्म्ड विद आवर स्टिक्स एंड स्पीयर्स, मतलब लाठी और भाले लेकर हमने एंटर किया पेंगुइन्स के एरिया में। वी वर ग्रेटली सरप्राइज टू, हम बहुत हैरान हुए। सरप्राइज टू के बाद क्या होता है बच्चे, सरप्राइज टू फाइंड, सरप्राइज टू लर्न, सरप्राइज टू हियर, या सरप्राइज टू अंडरस्टैंड दैट इंस्टीड ऑफ अटैकिंग अस, फटाफट से बताओ जरा इसके बाद किसका यूज करते हैं आप, ठीक है जी। पहले आंसर मत भेजिए, आराम से पढ़ते रहिए सारे बच्चे, ठीक है। चलो, सेवंथ क्वेश्चन रह गया था क्या, चलो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है रह गया हो। आप इस पर कंसंट्रेट कीजिए कि वी वर ग्रेटली सरप्राइज टू, तो सरप्राइज टू के बाद क्या आएगा। चलिए, तो राइट आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। एक आधी गलती टीचर की भी माफ कर दिया करो यार, ह्यूमन बीइंग वाली बात बताई तो है, रह गया होगा क्वेश्चन नंबर सेवन, कोई बात नहीं, ठीक है जी। चलिए, तो बच्चे इसका आएगा सरप्राइज टू फाइंड, क्योंकि सरप्राइज टू फाइंड का मतलब होता है डिस्कवर, डिस्कवर मतलब जानना, कि हम हैरान थे इस बात को जानकर कि इंस्टीड ऑफ अटैकिंग अस, कि हम पर हमला करने के बजाय और डैश साइन ऑफ फियर एट आर अराइवल, डैश साइन ऑफ फियर एट आर अराइवल, फटाफट से बताओ जरा, ठीक है जी। चलो, ओके, ठीक है, बताओ जरा, सो क्वेश्चन नंबर टू क्या होगा बेटे इसमें, शोइंग कि उन्होंने कोई साइन ऑफ फियर, उन्होंने कोई डर भी नहीं दिखाया, उन्होंने कोई डर भी नहीं दिखाया, ठीक है। सो एट आर अराइवल दीज स्ट्रेंज बर्ड्स डू नॉट मूव डैश देयर प्लेसेस, क्या कहना चाहता है कि वो ब्रेव बर्ड्स अपनी जगह से हिले भी नहीं, अपनी जगह से हिले भी नहीं, तो प्रॉपर क्या यूज होगा, मूव इन, मूव एट, मूव फ्रॉम, मूव ऑन, फटाफट से बताओ जरा, ठीक है, जल्दी से आंसर।
चलिए ठीक है, जल्दी से आंसर दे दो सारे बच्चे मुझे इसका, कि इसका आंसर क्या बनेगा। स्ट्रेंज बर्ड्स डू नॉट मूव, यस हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। थ्री का आंसर बताओ जरा सारे बच्चे। चलिए तो थ्री में क्या सेंसिबल है फ्रोम, कि वो अपनी जगह से हिले भी नहीं एंड वी टूक होल्ड, फटाफट से बताओ होल्ड के बाद किस प्रेपोजिशन का यूज होगा, होल्ड ऑफ, होल्ड ऑफ, होल्ड फ्रॉम, होल्ड ऑन देम, ठीक है। चलिए नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, फोर पर आ गए हम, फोर की बात कीजिए सारे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर पर आ गए हैं, फोर की बात कीजिए सारे बच्चे। लाइक शेयर करते रहो यार सेशन को, कब से 143 पर ही अटके हुए हम लोग, लाइक शेयर कर दो जरा एक बार सारे, ठीक है जी। चलिए ये लेवल ठीक ठाक है, ठीक है ये लेवल ठीक ठाक है। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। देयर प्लेसेस एंड वी टुक होल्ड डैश देम होल्ड ऑफ ओ एफ ऑफ, दे मेयरली डैश देयर आइज ऑन अस, दे मेयरली डैश केवल आंखें खोली घुमाई बंद करी या दिखाई, उन्होंने केवल हमारी तरफ क्या किया, ठीक है। जल्दी से आंसर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इसका, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो उसने उन्होंने अपनी आंखों को क्या किया होगा, ओपन टर्न्ड क्लोज शोड, फोर ऑप्शन आपके पास जल्दी से, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, यस लाइक शेयर कर दो सारे बच्चे एक बार सेशन को। बेटा ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये क्लोज टेस्ट हमारे, ये PYQ है, कुछ नए भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, लेकिन इनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको यही नहीं पता लगेगा एग्जाम में कि क्लोज टेस्ट होता क्या है और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह के हमें ऑप्शंस आते हैं, जानना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या है बच्चे, दे मेयरली टर्न्ड देयर आइज ऑन अस, उन्होंने केवल अपनी आंखें हमारी ओर घुमाई विद या आउट ऑफ या इन ऑन वंडर, अस विद वंडर, अस आउट ऑफ वंडर, इन वंडर या ऑन वंडर, सिक्स में क्या लगाओगे, ठीक है। चलो ठीक है जी, ये डॉलर है डॉलर। चलिए सिक्स का आंसर दे दो सारे बच्चे मुझे जल्दी से फटाफट, यस। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इन वंडर राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इन वंडर का मतलब होता है फील्ड विद वंडर, ठीक है, हैरानी से भरा होना, इन वंडर, सी ऑप्शन इज वंडर एज वी पास्ट दैट दैट लिव्ड वन ओल्ड पेंगुइन या दैट एग्जिस्टेड वन ओल्ड पेंगुइन या हमारे पास दैट वाज वन ओल्ड पेंगुइन या डी ऑप्शन होगा परसिस्टेड, ठीक है। फटाफट से बताओ क्या होगा इसमें, दैट के बाद वन ओल्ड पेंगुइन गिवन है और फोर ऑप्शंस भी है हमारे पास, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है इस लेवल के तो करने ही पड़ेंगे बच्चे। राइट आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा, ठीक है जी, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें हमारे पास क्या रहने वाला है, दैट लिव्ड वन ओल्ड पेंगुइन या एग्जिस्टेड, आप आगे भी पढ़ सकते हो, पेंगुइन टू वॉक स्लोली टुवार्ड्स द सी एंड पीटर, उसके बाद क्या आएगा, लेकिन सबसे पहले बताओ इस ओल्ड वन ओल्ड पेंगुइन के बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा क्या सुटेबल रहेगा इसके अंदर और क्यों रहेगा, क्या सुटेबल रहेगा और क्यों रहेगा, ठीक है। देखो आंसर्स मैक्सिमम बच्चे जो है वो राइट दे रहे, क्यों, क्या कहेगा, दैट वॉज वन ओल्ड पेंगुइन,
क्योंकि लिव्ड, एग्जिस्टेड, परसिस्टेड ये यहाँ पर बिल्कुल सेंसलेस है, क्योंकि पहले उसने कोई बात ही नहीं करी, वो अभी बताना शुरू हुआ उसके बारे में कि दैट वन वन ओल्ड पेंगुइन, कि वो एक बूढ़ा या ओल्ड पेंगुइन था, उसने क्या किया, कमेंड टू वॉक किया होगा, बिगेन टू वॉक किया होगा, कॉन्टिन्यूड टू वॉक किया होगा या स्टॉप्ड टू वॉक किया होगा। ठीक है, सेंस यूज करो बेटा सारे। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं अभिषेक सिंह, गुड बाय। इसमें बताओ हमारे पास कि एट्थ में किस चीज की सेंस बनती है, क्वेश्चन नंबर एट में क्या सेंस बनती है, उस ओल्ड पेंगुइन कमेंस्ड टू वॉक, बिगेन टू वॉक, कंटिन्यू टू वॉक या स्टॉप टू वॉक स्लोली टुवार्ड्स द सी, क्या किया होगा। ठीक है, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सी, सी सर कह रहा है सी सर कंटिन्यूड, तो आपको पैराग्राफ में पहले कभी बताया गया है इस पैराग्राफ में कि वो पहले भी चल रहा था और उसने कंटिन्यू किया, अभी उसके बारे में बात स्टार्ट ही हो रही है। सी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, तो राइट ऑप्शन क्या है, बी, बिगेन टू वॉक स्लोली टुवार्ड्स द सी, कि उसने चलना शुरू किया, कंटिन्यूड नहीं हो सकता बच्चे, पहले पैराग्राफ में उसने बताया है कि ओल्ड पेंगुइन पहले भी चल रहा था और फिर उसने कंटिन्यू, उसने क्या बताया था हमें, ठीक है, कि वो मूव में नहीं थे, बिल्कुल स्टिल खड़े थे, ऐसा पहले आया भी था हमारे पास कि वो हमें देखकर भी अपनी पुरानी स्थिति में ही रहे। ठीक है, चलिए, ठीक है जी, उसके बाद द टुवार्ड्स द सी एंड पीटर, पीटर वन ऑफ द पर्सन कैरिड इट इनटू हिज हेड या बोर इट इनटू हिज हेड या टुक इट इनटू हिज हेड या रिसीव्ड। अब इसके बाद हमारे पास क्या लगना चाहिए इट से पहले कि इसकी क्या सेंस बनेगी, डिसाइड करना, डिसाइड करना इसकी सेंस बन जाएगी कि उसने डिसाइड कर लिया, और डिसाइड भी क्या किया है, कुछ ना कुछ शरारती चीज डिसाइड उसने करी है। ठीक है, उसने कोई शरारती चीज डिसाइड करी है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाता है, टुक इनटू हिज हेड, टुक इनटू हिज हेड का मतलब होता है डिसाइड करना, टुक इनटू हिज हेड का मतलब क्या होता है, डिसाइड करना। ठीक है, तो उसने क्या डिसाइड किया, दैट ही डैश ट्राई टू स्टॉप इट, ही वुड ट्राई टू स्टॉप इट, ही कुड ट्राई टू स्टॉप इट, ही शुड ट्राई टू स्टॉप इट या ही वॉन्ट ट्राई टू स्टॉप इट। ठीक है जी, यस, पैराग्राफ समझना पड़ेगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं टफ से टफ पैराग्राफ आपको पहले ही प्रिपेयर करवा दूं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, और वैसे भी फर्स्ट डे है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी है समझने में। ठीक है, मैं क्या कहता हूं कि फर्स्ट डे तो आपको टू वन जा टू भी मुश्किल लगा होगा, टू का टेबल भी मुश्किल लगा होगा, धीरे धीरे समझिए आप कर पाएंगे, और जैसे आपके बाकी टॉपिक्स प्रिपेयर हो गए हैं, अब आप 45 प्लस मार्क्स किसी भी मॉक टेस्ट में ले लेते हो, तो क्लोज टेस्ट का भी वही होना है बच्चे, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत चाहिए होती है हमें, थोड़ी सी पेशेंस, मेहनत, उसके बाद ये क्लोज टेस्ट आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मुझे बताओ टेंथ में क्या आएगा, कि उसने डिसाइड किया कि वो करेगा, ठीक है, क्या करेगा, स्टॉप करेगा, उसको वहां जाने से रोकेगा, ऐसी शरारत भरी बात उसके दिमाग में आई। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है, ए, वुड। ठीक है जी, क्लियर है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी बच्चे, थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे, यस, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर होने वाली है। ठीक है, क्लियर है सबको, यस, एक बार और आप रिकॉर्ड सेशन देख सकते हैं, लाइक शेयर कर दो जरा एक बार सारे बच्चे, लाइक शेयर कर दो जरा एक बार सारे बच्चे सेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलें, एक और कर लेते हैं, ये क्लोज टेस्ट, टेन रिपीट सर,
टेंथ को रिपीट कर दो एक बार बेटा। ऐसा है, पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है कि पीटर ने डिसाइड किया है कि वो इस पेंगुइन को सी की ओर, समुद्र की ओर जाने से रोकेगा। अभी रोका नहीं है उसने। और पास्ट में विल की फॉर्म क्या होती है? पास्ट फॉर्म वुड का यूज होता है इसलिए, ठीक है। कुड का मतलब सकता था, शुड भी नहीं। और ये जो वॉन्ट लिखा है ना, ये विल नॉट होता है। ये जो वॉन्ट लिखा है इसकी फुल फॉर्म विल नॉट होती है, इसलिए। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट। चलो छोटा सा पैरा है ये तो। समटाइम्स द मैसेजेस आर सेंट विद डैश accompanying वर्ड्स एंड वी स्पीक इन डैश लैंग्वेज अलोन। दोनों पढ़ो और बताओ किसकी सेंस बनती है। क्वेश्चन नंबर वन भी पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर टू भी पढ़ना है, और ये डिसाइड करना है कि किसकी सेंस बनती है, ठीक है जी। चलो टेंस की मैराथन बहुत जल्दी होने वाली है प्रथमेश, यस बहुत जल्दी होने वाली है टेंथ की मैराथन, सॉरी टेंस की मैराथन, ठीक है। चलो बताओ फिर। समटाइम्स द मैसेज आर सेंट विद डैश accompanying वर्ड्स एंड वी स्पीक इन डैश लैंग्वेज अलोन, ठीक है, ध्यान से देख लेना। चलो चलो करें राइट आंसर की बात करें। चलो बेटा, कभी कभी हम मैसेज देने में किसी भी वर्ड का यूज नहीं करते, और इस तरह से दिए गए मैसेज को कौन सी लैंग्वेज में समझाया जाता है? सिग्नल लैंग्वेज में। बॉडी लैंग्वेज नहीं कहते, सिग्नल लैंग्वेज कहते, ठीक है। जैसे ये साइन है, किसी को ये कह दिया तो इसका मतलब बहुत बढ़िया किया उसने, बिना बोले मैसेज भी कन्वे हो गया, क्लियर है, ठीक है। कि कभी कभी हम बिल्कुल भी बात नहीं करते, और सिग्नल लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज कहते हैं बच्चे उसको, बॉडी लैंग्वेज नहीं कहते। बॉडी लैंग्वेज तो वो होती है कि आप कैसे दिखते हो, हाइट कैसी है, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको पता लग गया होगा कि साइन लैंग्वेज होती है बेटे, साइन लैंग्वेज बोलते हैं उसको हम। नेक्स्ट चलो। बट व्हाट गेस्चर मेक लैंग्वेज, बट व्हाट गेस्चर मेक विद बॉडी मेक अप मेक इनटू लैंग्वेज, थर्ड का, ठीक है जी। बेटा वो कहना चाहता है कि कभी कभी कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन सामने वाले को अपना मैसेज कन्वे करते हैं, उसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपने हाथ जोड़कर बिना किसी को बोले यूं कर दिया, तो वो समझ जाएगा कि आप उसको नमस्ते कर रहे हैं, ये साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो थर्ड में बता दो फिर फटाफट क्या बनेगा, थर्ड में क्या बनेगा, ठीक है। बट व्हाट गेस्चर मेक अब बनाने, बनाना क्या होता है, मेक इनटू, ठीक है, बनाना क्या होता है, मेक इनटू, मेक इनटू लैंग्वेज। पर कौन से गेस्चर से लैंग्वेज बनती है? मोस्ट ऑफ अस आर डैश विद द कॉमन हैंड गेस्चर्स, हम में से बहुत ज्यादा क्या है, इजी विद, फैमिलियर विद, एफिशिएंट विद, फटाफट से आंसर, हम में से ज्यादातर क्या है, ठीक है जी। मेकअप नहीं यार, मेकअप क्या होता है आपको समझ तो है, मेकअप किसको बोलते हैं, मेकअप करना, वो नहीं, लैंग्वेज बनाना मेक इनटू, ठीक है। चलिए तभी तो पता चलेगा बेटा, ठीक है। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यस अब जो है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट ऑफ अस आर क्या होगा,
फैमिलियर विद, बी ऑप्शन। क्यों? फैमिलियर विद का प्रॉपर मीनिंग होता है हमारे पास, फैमिलियर विद का मतलब होता है परिचित होना, परिचित होना। कि हम ज्यादातर साइन लैंग्वेज से हम लोग परिचित हैं, ठीक है, कॉमन हैंड गेस्चर से हम लोग परिचित हैं। सम डैश कैन नॉट टॉक विदाउट देयर हैंड्स, सम डैश बिना हाथ का इशारा किए बात ही नहीं कर सकते, सम डैश, सम स्टूडेंट्स, सम पीपल, सम ऑफिसर्स। किसकी सेंस बन रही है? मैं एक तरफ हो जाता हूं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, सेंस किसकी बन रही है जरा फटाफट से बताओ। कुछ स्टूडेंट नहीं बात कर पाते, कुछ लोग बात नहीं कर पाते, या कुछ ऑफिसर्स बात नहीं कर पाते, ठीक है जी, जल्दी से आंसर। ये हार्ड नहीं हो रहा बच्चे, ये तो इजी है, देखो कितना इजी तो है। उसने अभी तक किसी क्लास की बात नहीं करी जो स्टूडेंट की बात करूं, अभी तक उसने किसी ऑफिस की बात नहीं करी जो ऑफिसर्स की बात करूं मैं, ठीक है, वो सबके लिए कॉमन बात कर रहा है, तो बी ऑप्शन इज राइट हियर, पीपल। थोड़ी सी सेंस ही तो लगानी है, ठीक है जी। ठीक है, 6 की ओर चलें। डैश रीच आउट अस दे एक्सप्लेन मोस्ट, ठीक है, वी रीच आउट एज दे एक्सप्लेन, आर्म्स रीच आउट एज दे एक्सप्लेन ऑलमोस्ट, या दे, फटाफट से बताओ किसके बारे में इससे पहले बात हुई है। ठीक है, सब किसकी बात कर रहा है वो? कुछ लोगों की बात कर रहा है, ठीक है, और लोगों को किससे रिप्रेजेंट करेगा? दे से करेगा। ऑलमोस्ट एग्जैक्टिंग शेपिंग चेंजिंग देयर वर्ड्स, तो वो हाथ से वर्ड्स को क्या करेंगे? वो अपने हाथों को, ठीक है, ओके, तो वो अपने हाथों को, हाथों से क्या करेंगे, वर्ड्स को क्या करेंगे बच्चे? एग्जैक्टिंग करेंगे, शेप करेंगे, चेंज करेंगे। फटाफट से बताओ आंसर, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, चलिए। यस, लाइक शेयर कर दो बेटे एक बार सारे बच्चे सेशन को। शेप ही करेंगे ना, वर्ड्स को शेप ही करेंगे। ठीक है, नहीं, शेप करेंगे बच्चे, शेप करेंगे। ठीक है, मान लो कोई चीज रखी है, मान लो कोई सब्जी रखी है, किसी तरह की कोई सब्जी रखी है, ठीक है, उसमें से आपने किसी को कहा कि एक पीस उठा के ले आ, और मान लो वो छोटा ला रहा और आपको बड़ा चाहिए, बड़ा पीस चाहिए, तो आप वर्ड शेप कर दोगे ऐसे कि बड़ा, और वो इशारे से समझेगा कि बड़ा लाना, और अगर वो बड़ा लेकर आ रहा है आपको छोटा चाहिए तो आप यूं कर दोगे, तो वो इशारे से समझ जाएगा कि उसको छोटा पीस चाहिए, तो आपने वर्ड को शेप कर दिया छोटा और बड़ा। ये कहना जाता है कि वो वर्ड्स को शेप करता है, ठीक है जी। ये खिचड़ी बनानी भी पड़ेगी, ये खिचड़ी खानी भी पड़ेगी बच्चे, ये खानी भी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। सारे टॉपिक हमारे मुताबिक नहीं हो सकते, कुछ टॉपिक हमें मुश्किल भी मिलने वाले हैं, और इससे बढ़िया तरीका इनको करने का नहीं है, ठीक है, केयरफुली रीड भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट, क्योंकि बच्चे ये पीपल लोगों की बात कर रहा था, और लोगों को हम दे से रिप्रेजेंट करेंगे, बी आर्म्स नहीं, ठीक है। दे रीच आउट एज दे एक्सप्लेन ऑलमोस्ट, लोगों की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एग्जैगरेटिंग एंड डैश देयर हैंड्स, तो अगर वो शेप कर रहे हैं वर्ड्स को तो आप क्या कहोगे कि वो टीचिंग कर, टीचिंग देयर हैंड्स, होल्डिंग देयर हैंड्स, या पंचुएटिंग देयर हैंड्स, या प्रॉपर मीनिंग बनेगा इसका, ठीक है, प्रॉपर मीनिंग बनेगा इसका। चलो फिर बनाओ, ठीक है जी, चलिए। यस, सो इसका प्रॉपर मीनिंग हमारे पास क्या बनेगा? पंचुएटिंग देयर हैंड्स, ठीक है,
अदर पीपल हार्डली डैश देयर हैंड्स एट ऑल व्हेन दे डैश. क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 9 में और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों एक साथ ही सॉल्व कर दो 9 और 10. ठीक है, ध्यान से देखना. कह रहा है दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल से ही डैश करते हैं अपने हाथों को डैश करते हुए, क्योंकि अगर मैंने हिंदी बता दी तो आपने सॉल्व कर दिया. ठीक है जी, चलिए. नहीं तो राइट आंसर इसका क्या है देख लीजिए लास्ट का. अदर पीपल हार्डली यूज देयर हैंड्स एट ऑल व्हेन दे टॉक. दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात करते समय मुश्किल से ही अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं. ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं उनके हाथ ही ऐसे पीछे होते हैं. ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी, चलिए. ये क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, क्लोज टेस्ट आपको पैराग्राफ में ही मिलने वाला है आपके एग्जाम में, और आपको ऐसे ही केयरफुली रीड करके इसको सॉल्व भी करना होगा. फर्स्ट डे था, आई होप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबको आई होगी. कल वो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी. ठीक है ना, कल आप खुद समझकर मुझे आंसर्स दे पाएंगे. लेकिन क्लोज टेस्ट ऐसे ही होते हैं, करना बहुत ज़रूरी है. ये सोचकर कि टॉपिक इंटरेस्टेड नहीं है या इंटरेस्टिंग नहीं है या व्हाटसो एवर कुछ भी हो, हम इस टॉपिक को लीव नहीं कर सकते. सिलेबस हमने अपना यहाँ से पूरा करना ही है. ठीक है जी, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो चलिए, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. आज के लिए ये 4 पैसेज ही हमारे बहुत रहने वाले हैं. आप इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी इनको बार बार पढ़ करके. तो कल हम मिलेंगे इसी टॉपिक पर, ठीक है ना. जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं इस टॉपिक को छोड़ने वाला नहीं हूँ. ठीक है, यस. तो कल तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत.